हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं वासा आया हूँ। हेलसिंकी से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है ये शहर, और काफ़ी ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं। वासा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे फिनलैंड में, और वो वासा इज़ द होम टू दैट यूनिवर्सिटी। हेलसिंकी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, मगर ये शहर बेसिकली पढ़ाई के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो इस टाइम मैं वासा के सेंटर में खड़ा हुआ हूँ। ये सेंटर की दुकान है, हर शहर का एक सेंटर होता है, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी अच्छी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। पुराने स्ट्रक्चर्स मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इस टाइम मेरे पीछे यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस चर्च है, रेड चर्च। मुझे इसका नाम सही से नहीं पता, क्योंकि यहाँ फिनिश लैंग्वेज वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोग कभी आएंगे तो एक्सपीरियंस करिएगा, मगर काफ़ी फैसिनेटिंग है। मैंने शॉट्स लेने की कोशिश करी है, मगर अभी ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भाई, पूरा शहर घूमने के लिए यहाँ बड़े शहरों में जितने भी हैं यूरोप के सारे, सिर्फ फिनलैंड नहीं, बर्लिन, लैटविया में जितने में भी घूम चुका हूँ, सब में शहरों में घूमने के लिए ज़्यादातर सेंटर्स में गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। तो उसके लिए आजकल ये ई स्कूटर्स आई हैं। मेरा काफ़ी शौक था कि मैं ई स्कूटर चलाऊँगा, तो मैंने आज की ई स्कूटर ये आप किराए पर ले सकते हैं, खड़ी हुई होती हैं, बस रस्ते पर खड़ी हुई होती हैं, और आप ये किराए पर लेके स्कूटर्स चला सकते हैं। मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना पड़ता है, और आप ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, किराए पे भी ले सकते हैं। रिक्शे का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब। ओके जी, ये मेन सेंटर है यहाँ का वासा का, और काफ़ी पुराने ज़माने की यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। मेन सेंटर में पूरे यूरोप का ये ट्रेंड है, हर शहर में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले मेन सेंटर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ से मेन बसेस, मेन ट्रेन्स जो दूसरे शहरों से और मुल्कों से कनेक्ट हो रही होती हैं, कुछ कुछ बड़े शहरों से दूसरे मुल्कों मुल्क भी ट्रेन कनेक्ट हो रही होती है। जैसे आप बर्लिन से बार्सिलोना ट्रेन में बैठ के जा सकते हो, और बस में भी बैठ के जा सकते हो। काफ़ी फेमस बस सर्विसेज होती हैं जो इंटरकनेक्टेड थ्रू ऑल ओवर द यूरोप होती हैं। दूसरा, वासा भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्ट्रक्चर पे इन लोगों ने बिल्डअप करा हुआ है, नया नया पूरा हर चीज़, नई नई बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और दूसरा, वासा इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट स्टूडेंट सिटी इन फिनलैंड, मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूरे फिनलैंड से और इंटरनेशनली वासा में ही आते हैं, तो सबसे ज़्यादा देसी यहाँ हमें यहीं मिल लेंगे वासा में। हेलसिंकी में भी वैसे बहुत ज़्यादा हैं, मगर यहाँ पर भी। ओके, वासा की सबसे ज़्यादा फेमस कहानी ये है कि ये शहर एक ग्रीन टाउन के नस्बत से बनाया था आज से 500 साल पहले। तो हुआ कुछ ऐसा कि जहाँ इस टाइम मैं हूँ, ये एक कोर्स होम चर्च है, और ये पूरा टाउन जो मेन टाउन था वो, उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी एक आग लग गई, क्योंकि ये पूरा टाउन ग्रीन था, तो जंगल थे नेचुरली बहुत ज़्यादा, और पूरे टाउन में बहुत ज़्यादा एक बड़ी आग लग गई, और फिर वो आग
कोई भुजा नहीं पाया। और अब इससे 5 किलोमीटर दूर जहाँ मेन सेंटर है, आपका जो सेंटर है जो मैंने अभी दिखाया, वो मेन सेंटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर यहाँ से बनाया, और ये फिर जगह कभी आबाद नहीं हुई। अब यहाँ वापस ग्रीनरी हो गई है, मगर अब ये गांव की तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस टाइम मैं कोल्स होम चर्च में हूँ। ये पहले उस टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ आग नहीं लगी थी, उस टाइम पे एक कोर्ट की तरह यूज़ हुआ करता था। और सच्ची में अंदर अभी एक स्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है, और सच्ची में एक कोर्ट की तरह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चर्च जज बैठता होगा और बोलता होगा, जज साहब तारीख पे तारीख। ये मुझे बस बोलना था, आई एम सॉरी ओवर एक्टिंग। अच्छा, इस विसिनिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का पुराना बेल टावर है, ये पुराना कोर्ट है जहाँ पे केसेस होते थे, पुराने ज़माने के जो मेजर केसेस थे। और यहाँ एक पूरा इन्होंने बहुत बड़ा सा एक नेचर पार्क बनाया हुआ है, जिस पे स्ट्रोल अराउंड आप लोग करके पूरा एक पुराना शहर देख सकते हैं जो आज से कई 100 साल पहले आबाद हुआ करता था। मगर जब आग लग गई यहाँ, तो आग लगने के बाद इन्होंने थोड़े टाइम के लिए इसको एक चर्च की तरह बना दिया, क्योंकि फिर तो यहाँ पे केसेस नहीं हुए जा सकते थे, और केसेस जो रुके हुए थे वो सारे नए शहर में एक और कोर्ट था उसमें वो लोग शिफ्ट कर दिए गए टेम्परेरीली तौर पर, जो बाद में वो परमानेंट बन गए शायद, या कोई नई बिल्डिंग बनाई होगी, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। मगर फिर बाद में ये मुस्तसारी चर्च के नाम से मशहूर हो गई जगह। वो चर्च, ये तो पूरा एक खंडर है, मगर वो चर्च थोड़ा सा दूर है यहाँ से 1 किलोमीटर के स्ट्रोल पे, और ये काफ़ी एक हॉन्टेड प्लेस लग रही है वैसे तो। पास में कब्रिस्तान भी है जहाँ कहते हैं कई लोग जल के मर गए थे, तो सारा बहुत आई एम स्केर्ड। ये मेरे पीछे इस टाइम यहाँ पे क्लॉक टावर है, थोड़ा जंगल है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये वाला एक्चुअली, ये जो चर्च है और जो कोर्ट है और ये क्लॉक टावर है, ये सारे इसलिए ये स्ट्रक्चर्स अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि ये पत्थर के बने हुए थे। क्योंकि जब ये क्लॉक टावर बन रहा था तो इस पर जो बेल लगाना था वो बेल बहुत ज़्यादा भारी था, अराउंड 1000 किलोग्राम्स का था। तो इसलिए जो गैब्रियल था उस टाइम, जो यहाँ का रूलर था, उसने बोला नहीं ये बेल ही लगेगा। तो उन्होंने स्टोन का बनाया और ऊपर वाला जो पार्ट बनाया आग लगने की वजह से वो सारा जल गया, और फिर ये स्ट्रक्चर एक बचा जिसको उन्होंने बाद में प्रिजर्व कर लिया, मगर वापस बेल नहीं लगाई क्योंकि वो बेल वगैरह सब कुछ जल गया, केयरलेसनेस। भाई तो आप लोगों ने देखा होगा ये सारे जो जले हुए घर हैं, अब इन पे ग्रेफिटी कर दी है यहाँ की आवाम ने, थोड़ा सा पेंट कर दिया, मगर ये सारे घर उस टाइम के जले हुए थे, और जो स्टोन्स वाले घर जले थे तो वो अभी तक बचे हैं। इन घरों के जलने की मेन वजह थी केयरलेसनेस एक वर्कर की। घर जो थे एक्चुअली वो बहुत क्लोजली बने हुए थे, तो जब एक घर पे आग लगी तो दूसरे घर पे आग लगी और तीसरे पे ऐसे लगती चली गई। तो उनमें से एक जो आग लगने की मेन वजह थी वो ये थी कि एक जो वर्कर था वो बांड में सो रहा था एक, और वहाँ हे स्टैक पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो फिर उसका पाइप गिरा जिससे वो सिगरेट वगैरह पी रहा था, और एक घर से आग लगी, उस हे स्टैक में आग लगी, और फिर लगते 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 पूरे शहर में आग लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली सारे घर बने हुए थे। तो ये मेरे पीछे एक और जला हुआ घर है, और यहाँ कुछ कुछ घर ऐसे हैं जिन पे सिर्फ पत्थर बचे हैं, आखिर के जो स्टोन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बचा था, बाकी उन लोगों ने खैर ये वापस इस जगह पे घर बना रहे थे। अब 500 साल पहले सब कुछ जला था, और अब यहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने वापस से एक पार्क बना दिया, जंगल बना दिया कि इस लोगों को भी चीज़ प्रिजर्व करें। ओके, तो ये ऐसा स्कूल पहले वो दिखता था, तो जो स्कूल है जो आज से 500 साल पहले आग में जल गया था वो ऐसा दिखता था, और उसमें योहान लुडविग रूनेबेर गया था। मेरी पिछली वीडियो पोरो वाली देखी ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वो देखिए। तो फिनलैंड का सबसे मशहूर पोएट
जिसकी वजह से एक बहुत फेमस स्वीट यहाँ पे मशहूर है और जिसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है, योहान लुडविग रूनेबर्ग, वो भी स्कूल में गया था आज से 500 साल पहले, जो फिर जल गया था, तो उसने उसके ऊपर भी कुछ पोम्स लिखी होंगी, आई डोंट नो। ओके, जो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये 500 साल पहले यहाँ पे एक स्कूल था, ग्रामर स्कूल था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस पोएट्स और इन लोगों के फेमस राइटर्स पढ़ के जाते थे, जो इस आग में जल गया था। और यहाँ का सबसे फेमस बंदा योहान लुडविग रूनेबर्ग, जो यहाँ से पढ़ के गया है आज से 500 साल पहले, वो था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं अभी नहीं दिखा सकता, अंधेरा हो रहा है, मगर अगर आप लोगों को कभी मौका मिले कि आप लोग यहाँ आएँ और ये सब एक्सप्लोर करें तो ज़रूर आइएगा। वासा इज़ अ प्रीटी नाइस सिटी, मुझे मगर फिर भी हेलसिंकी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है, वैसे वासा भी है, मगर खैर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ तो। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना, प्लीज़ आउट।